हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने पहले पार्ट में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन किए थे, बेसिक सीरीज के माध्यम से बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। बेसिक टाइप में हम लोग ट्रायंगल्स स्टार्ट कर चुके थे, तो आई होप आपको जो पहली वीडियो है वो क्लियर समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तब आपको जो है अगली वीडियो में उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप तक जो है वॉइस और वीडियो क्लियर पहुंच रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो आप लोगों का टाइम जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस सीरीज, सप्तशोधक सीरीज की अगले चैप्टर यानी कि फिगर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोग पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने कुछ विशेष क्वेश्चन किए थे, और हम लोगों ने कुछ विशेष क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आइए उस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में जो आप लोगों को दिया गया था उससे स्टार्ट कर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था 33, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। आई होप आप लोग इसको क्लियर बना पाए होंगे कि इसमें टोटल और टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो आई होप हम लोगों ने इसमें शायद आपको आंसर भी बता दिया था, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर नॉलेज की अगर बात करें, तो जो हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की बात की थी, तो किस प्रकार से हम लोग काउंट कर रहे थे उसकी अगर बात करें, तो इसको अगर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तो हम लोग इस ट्राइंगल्स में किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो हम लोगों ने जो काउंट करने का तरीका देखा था वो कुछ इस प्रकार से था कि इनको हम लोग कितने बेस लाइन पर नंबरिंग करते थे, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स पर नंबरिंग करके, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स पर काउंटिंग करके, और इनका हम लोग सम कर देते थे। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो 1 + 2 = 3, इसमें हमें टोटल और टोटल कितने ट्राइंगल्स मिले, तो इसमें हमें टोटल और टोटल 3 ट्राइंगल्स मिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाता था 3 ट्राइंगल्स। इसी आधार पर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस प्रश्न की अगर बात की जाए, तो इस प्रश्न में हमें कितने ट्रायंगल्स बेसिकली दिखाई पड़ रहे हैं, तो आइए इनको हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल्स आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा जो कि बेसिक ट्रायंगल्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद अगर बात करें तो एक अगला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ एक अलग से ट्रायंगल्स आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोगों ने जो बेसिकली ट्रायंगल्स की बात की थी वो कुछ इस प्रकार थी कि एक ट्रायंगल्स हमें अगर बीच से उसमें लाइन पड़ी है तो हमें कितने ट्रायंगल्स दे रहा है, 3 दे रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी 3 दे रहा है, इसमें भी 3 दे रहा है, और इसमें भी 3 ट्रायंगल्स हमें प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है, जब ये इंडिविजुअल है, अलग अलग है। अगर इन्हीं ट्रायंगल्स को अब 3 3 हम लोगों ने नोट कर लिए, एक 3 ये देगा, एक 3 ये देगा, और एक 3 ये देगा, यानी कि हमारे पास टोटल 9 ट्राइंगल्स तो अभी मिल गए। लेकिन अब जब ये अलग अलग इंडिविजुअल थे तब तो हमें 9 ट्राइंगल्स मिल गए, ठीक है, तब हमें 9 ट्राइंगल्स मिल गए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जब ये इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, तो हमें 9 ट्राइंगल्स इन्होंने प्रदान कर दिए। लेकिन जब हम लोगों ने इनको एक साथ जोड़ा, इस प्रकार की आकृति बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस प्रकार से ये ट्राइंगल्स था और इसको जब हम लोग ने जोड़ने की कोशिश की तो हमें एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स मिला। देखिए, जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो हमें एक बीच से लाइन फिर से मिल गई, जो कि एक ट्राइंगल्स को दो भागों में बांटती हुई नजर आ रही है, जो कि इस प्रकार की लाइन है। तो इस प्रकार की लाइन से हमें कुल टोटल कितने ट्राइंगल्स मिले, तो इस लाइन पर हमें टोटल और टोटल 3 ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा मिल गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब तीनों ट्राइंगल्स को एक साथ जोड़ा तो हमें एक 3 ट्राइंगल एक्स्ट्रा मिले। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बीच से कोई लाइन एक ट्राइंगल्स को काट दे तो हमें टोटल और टोटल 3 ट्राइंगल्स प्रदान करती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो इस लाइन के आने से ये वाला जो ट्राइंगल्स है, ये वाला जो ट्राइंगल्स है, ये पूरा ट्राइंगल्स इधर से दो भागों में विभाजित हो गया, इधर से दो भागों में विभाजित हो गया, तो ये अभी हमें 3 देगा। लेकिन 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 ये भी ट्राइंगल हमें 3 देगा, लेकिन एक पार्ट इसका इसमें काउंट हो चुका है, एक पार्ट इसमें इसका काउंट हो चुका है, तो इसमें हमें 3 ना मिलकर एक कम मिलेगा, 3 ना मिलकर इसमें हमें एक कम मिलेगा। तो ये अलग से एक ट्राइंगल्स ये दो हमें प्रदान करेगा। उसी प्रकार की एक ये दो हमें
ये वाली लाइन भी हमें दो ट्रायंगल्स प्रदान करेगी। तो हमारे पास टोटल और टोटल कितने हो गए, 3 + 2 + 2 + 2, यानी कि 3 और 3 6 और 3 9, 9 ट्रायंगल्स हमारे पास पहले थे और दो और आपके दो 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 और दो 4 और 3 7 ट्रायंगल्स हमारे पास और आ गए। तो 9 और 7 आपके कितने हुए, 16। तो यह हमारा सही आंसर इस प्रकार से बन रहा है कि जो 16 आंसर आ रहा है वो आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। अगर नहीं तो एक बार इस ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये भी अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो इन ट्रायंगल्स को आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है और इनसे जो है आप लोगों को एक ट्रायंगल्स बनाना है मिलकर भी, ठीक है। अब जब हम लोग इनको तोड़ेंगे तो ये हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स प्रदान करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स जो हमें मिल रहे हैं वो आप 3 2 5 और 2 7 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप इसको आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। उसी आधार पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था वो भी था। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में मात्र इतना बढ़ा दिया गया है कि एक लाइन ये बढ़ा दी गई है। तो हमें चूंकि पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसमें 16 ट्रायंगल्स हमारे पास थे, ठीक है, 16 ट्रायंगल्स हमारे पास थे। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन हमें एक्स्ट्रा दी गई है। कितनी लाइन, एक लाइन हमें एक्स्ट्रा दी गई है। अब इस एक लाइन से कितने ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा बन रही हैं इनकी काउंटिंग हम लोग करते हैं। इनकी काउंटिंग अगर हम लोग करें तो इस एक्स्ट्रा लाइन से जो हमारे पास टोटल और टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसको हम लोगों को काउंट करना है। तो इसकी अगर बात करें तो इस एक्स्ट्रा लाइन से आइए अब हम लोग, चूंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन एक डल गई है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल्स था, ये आपका ट्रायंगल्स था, इसी प्रकार से ये ट्रायंगल्स था और एक ये ट्रायंगल्स था, इसी प्रकार का ट्रायंगल्स हम लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है इस एक्स्ट्रा लाइन से, ठीक है। इस ग्राफ में, इस आकृति में और इस आकृति में केवल इतना ही तो अंतर है कि इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दी गई है चूंकि ये वाली लाइन, आई होप आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। तो इस लाइन से हमें कितने ग्राफ, इस लाइन से हमें कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, केवल यही हम लोगों को काउंट करना है, ठीक है, यही हम लोगों को केवल काउंट करना है। तो आइए हम लोगों इनको काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी अगर हम लोग बात करें, चूंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल जब दो भागों में विभाजित हो जाता है तो हमें केवल केवल 3 ट्रायंगल्स प्रदान करता है। तो ये भी 3 और ये भी 3, यानी कि 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये दे दिए। लेकिन इनको जब हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कौन सा और भी जो है एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ एक प्रकार का ये ट्रायंगल्स पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मिलेगा और एक ट्रायंगल्स आपको कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा मिलेगा जो कि इसके आने से पहले जो ये वाला ट्रायंगल्स हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कौन सा ट्रायंगल्स बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ये वाला ट्रायंगल्स बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये हो गया और इसके बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपका ये हो गया। तो इसके आधार पर 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमें भी मिले तो 6 + 2 यानी कि 8 और हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, 16 और 8 आपका 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे, ठीक है, आई होप इसको आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे। जो कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं वो कौन कौन से ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमें जो मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि एक ट्रायंगल्स आपका एक एक्स्ट्रा ये बना रहा है, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बना रहा है, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आप लोग ये बना रहे हैं और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आप लोग ये बना रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला ट्रायंगल्स। तो आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। इस प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत आई होप होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो इस प्रश्न में कितने टोटल ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें हम लोग फिर से वही अपनी अप्रोच के साथ चलते हैं जो हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो पहले से हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 और इसमें 4, 1 2 3 और इसमें 4, 4 4 यानी कि 4 3 7 2 9 1 10 ऊपर इस वाले में मिले हमें ट्रायंगल्स, 10 इस वाले में मिले। अब हम जब इनको एक दूसरे से जोड़ेंगे, जब हम लोग इन इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हमें टोटल और टोटल कितने ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जब हम लोग इन प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हमें कितने टोटल ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई होप आप लोग इसको विजुअल कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों की हेल्प की गई है इस प्रश्न को सॉल्व करने में।
तो आई होप आप लोग आप अभी तक बना चुके होंगे, आई होप अभी तक इस प्रश्न में जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हैं वो बना चुके होंगे। ठीक है, तो अब आप एक प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें हम लोगों को कितने 10 ट्रायंगल्स में मिले, 10 ट्रायंगल्स मिले, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी सी होगा, क्योंकि इसमें हमें एक भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक भी लाइन हमें एक दूसरे से क्रॉस मैच करती हुई नजर नहीं आ रही। ये ट्रायंगल्स है और एक ये ट्रायंगल्स है। अब जब हम इनको एक दूसरे से मोड़ जोड़ेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स थोड़ी मिल रहा है इसमें, ये तो चतुर्भुज मिलेगा, फिर हमें ट्रायंगल्स तो नहीं मिलेगा। अगर कोई लाइन एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती, सीधी होती, मान लीजिए ये लाइन इससे मिली हुई होती, तो हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलने की संभावना थी, लेकिन एक दूसरे से कोई लाइन एक्स्ट्रा एक दूसरे से कोई लाइन जुड़ी हुई नहीं है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स प्रदान इसमें नहीं किया जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी सी होगा। आई होप इस पॉइंट को भी आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, इसमें आप लोगों को ट्रायंगल्स काउंट करने हैं इस प्रश्न में। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा, आई होप हम ये क्लियर अगर नहीं होगा तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हमें एक ट्रायंगल्स यहां से, एक ट्रायंगल्स ये और एक बेसिक ट्रायंगल्स ये जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हमें तीन ट्रायंगल्स अलग अलग जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं तीन ट्रायंगल्स में हम लोग सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, तीन यानी कि छह ट्रायंगल्स इसमें इससे मिलेंगे, छह ट्रायंगल्स हम लोगों को इस पॉइंट से मिलेंगे, छह ट्रायंगल्स यहां से मिल गए, छह इस वाले से मिल गए और छह इस वाले से मिल गए। ठीक है, छह इस वाले से मिल गए, छह इस वाले से मिल गए और छह हमें इस वाले से मिल गए, यानी कि 6 × 12 और 6 × 3 = 18 ट्रायंगल्स तो हमें टोटल और टोटल डायरेक्ट ही मिल गए। अब जब हम लोग इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो हमें कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, तो हमें केवल और केवल 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बनेगा और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बड़ा वाला बनेगा। आई होप इसको भी आप लोग देख पाए होंगे। तो ये आपके टोटल और टोटल कितने ट्रायंगल्स बना गया, 20 ट्रायंगल्स बना गया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल सा आपके पास ये है, एक ट्रायंगल सा आपको इस प्रकार से दिया गया है, एक ट्रायंगल सा आपको इस प्रकार से दिया गया है। ये कितना देगा, ये 3 देगा, ये 3 ट्रायंगल्स बना के देगा और ये 3 ट्रायंगल्स बना के देगा। उसके आधार पर अब आपको थोड़ा काउंट करने की इसमें जरूरत है, थोड़ा काउंट करने की जरूरत है। तो 3 × 6, 3 × 9 हमारे पास ये हो गए 10वां ट्रायंगल्स। अब गिनिएगा आप लोग, हम काउंटिंग लिख दे रहे हैं, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। तो टोटल और टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, टोटल और टोटल आपके पास 13 ट्रायंगल्स, तो ये सीधे सीधे हो गए 13 ट्रायंगल्स सीधे सीधे जो आप लोगों को दिख रहे हैं। अब हम जब लोग इनको एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कितने हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिले थे, एक ट्रायंगल्स ये एक्स्ट्रा मिलेगा एक दूसरे से जोड़ने पर तीनों ट्रायंगल्स को, और एक हमें बड़ा वाला ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आई होप इनको आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। तो 2 ट्रायंगल्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 15 ना कि 13। आई होप इसको भी आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें, जो कि हम लोग अगर बात करें इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है। ठीक है, इस प्रश्न में केवल अंतर यह है कि आपको अंदर एक ट्रायंगल्स और बना के दे दिया गया है, और इसमें जो है दो दो लाइन थी, इसमें सिंगल सिंगल लाइन है। इसके आधार पर अगर हम लोग काउंट करने की कोशिश करें तो आई होप आप लोगों ने काउंट कर पाए होंगे ये प्रश्न को, कि इसमें ये 3 ट्रायंगल्स हमें देगा, ये 3 ट्रायंगल्स देगा, ये 3 ट्रायंगल्स देगा, जब अलग अलग है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है। जब हम लोग इनको एक साथ जोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल हमें एक्स्ट्रा ये बनता हुआ नजर आएगा, कौन सा, एक ट्रायंगल हमें एक एक्स्ट्रा बनता हुआ ये नजर आएगा और एक एक्स्ट्रा ये आएगा। इसके आधार पर और अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग बीच में अभी हम लोगों ने छोड़ दिए थे, ठीक है, तो एक 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 इंडिविजुअल ट्रायंगल्स ये हमें प्रदान करेंगे, तो इसके आधार पर 13 और 13 हम लोग प्राप्त हो जाते हैं, 13 के बाद एक एक्स्ट्रा ये वाला 14 और एक आपका जो है एक एक्स्ट्रा ये वाला 15 ट्रायंगल्स हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। अब चलते हैं आज के जो हम लोग टाइप सेकंड की बात कर रहे थे, यहां से ट्रायंगल्स का टाइप सेकंड स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने टाइप फर्स्ट को पढ़ा है, अभी तक हम लोग टाइप फर्स्ट के जो है कुछ विशेष क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन के लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ जो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं वो आप तक क्लियर क्लियर आपको समझ में आए हैं। अब चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि यदि कोई क्वेश्चन आयत के अंदर ट्रायंगल्स पूछ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में ट्रायंगल्स काउंट करने की बात करें तो काउंट करते हुए हम लोगों को विशेष टाइम देना पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को ये खोजते खोजते पता चलेगा कि 1 2 3 और इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो एक तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बनाएगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बनाएगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बनाएगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल, इस प्रकार से बहुत सारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे तो हम लोगों को काउंट करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। तो इसकी भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से कह लीजिए, एक मेथड के माध्यम से जो कि अप्रोच करने में बहुत आसानी होगी कि इस प्रकार से हम लोग बहुत कम समय में सारे ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। तो आइए इनको हम लोग शुरू करते हैं टाइप सेकंड को। टाइप वन से अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई बता दीजिएगा। और बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है जो कि ऑनलाइन SCLSP ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से है, टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत सारी, और आप लोग इस पर जो है अपनी पकड़ बना के चलिएगा। तो अब आइए हम लोग चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इंडिविजुअल आप लोग काउंटिंग कीजिएगा जिस प्रकार से आप लोग ट्रायंगल्स में काउंटिंग करते आए थे। तो 1 2 3 और 4 ऐसे प्रश्नों में हम लोग केवल और केवल मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं जितने हमें ट्रायंगल प्रदान किए गए हैं, या जितने ट्रायंगल्स हमें सीधे सीधे मिल रहे हैं 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल्स हमें मिले तो कितने मिले, इनको हम लोग इंडिविजुअल सम करते हैं, सॉरी इनका हम लोग इंडिविजुअल सम नहीं करते हैं। इस इन इन प्रश्नों में हम लोग इसका इंडिविजुअल सम नहीं करते हैं, जितना हमें लास्ट मिला है, जितना हमें सबसे बड़ा अंक जो हमारा मिला है या जितना वह हमें लास्ट में ट्रायंगल्स मिला है उससे हम टोटल और टोटल का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमें इसमें टोटल टोटल 8 ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। आई होप आप लोगों को ऑप्शन में भी 8 मिल गया होगा, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर बनता है। आइए अब हम लोग इनमें 8 ट्रायंगल्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे सीधे जो हमें ट्रायंगल्स मिल रहे हैं वो आई होप आप लोग देख पाए होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 ट्रायंगल्स मिल गए। उसके बाद आप लोगों ने इसको मिलाया 5, इसके बाद इसको मिलाया 6, इसके बाद इसको मिलाया 7 और इसको मिलाया, तो ये 8 प्रकार के ट्रायंगल्स इसमें टोटल और टोटल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर से हम लोग इसमें रिपीट करते हैं कि हम लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको केवल और केवल इतना करना है कि इसमें केवल और केवल आप लोगों को जो है सबसे पहले अप्रोच करने की सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, सबसे पहले आप लोग काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 में जो सबसे लास्ट वाला अंक है, जो सबसे बड़ा अंक है उससे केवल और केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और जो जो आपका आंसर आएगा वही आपके ट्राइंगल्स होंगे इस फिगर में। गिवन फिगर में जो आपका ट्राइंगल्स होंगे वो टोटल और टोटल 8 होंगे, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के विशेष प्रश्न में हम लोग किस प्रकार से काउंट करेंगे। तो आइए इस प्रश्न में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमें दिया गया है तो 6 का केवल और केवल हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल हमारे पास जो ट्रायंगल्स आएंगे वो 12 आएंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, जो हमारे पास सबसे लास्ट ट्रायंगल्स है उससे हम लोगों को केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की आप लोगों को संख्या बताना है। आपके पास ऑप्शन है 20, बी है ऑप्शन 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 16। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए हम लोग इसकी काउंटिंग करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 7 और 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 16, ऑप्शन डी सही आंसर। विद इन 2 से 3 सेकेंड आप लोग ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं, विद इन 2 से 3 सेकेंड।
यकीन नहीं है तो आइए हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप अब इस ऐसे प्रश्नों में विशेष ध्यान दीजिएगा जब कोई फिगर दो 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 फिगर से मिलकर बन रही हो, तो उस फिगर में आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करना है। एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो इस ट्रायंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर इनको हम लोग इंडिविजुअल काउंट करें तो 1 2 3 4 4 यानी कि 8 इसमें मिलेंगे, 8 हमें इसमें मिलेंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे को आपस में जोड़ देंगे तो हमें कितने इसमें काउंटिंग एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो जब हम लोग इनको इंडिविजुअल एक दूसरे में जोड़ेंगे तो हमें टोटल एक ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा ये मिलेगा और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को ये मिलेगा। तो इसमें दो हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे, तो 8 + 8 + 2 यानी कि 18 हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। इसमें टोटल कितने कितने ट्रायंगल्स हैं, 18, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग दो फिगर जब आपस में जुड़ रहे हों तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स का विशेष ध्यान रखते हैं। एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आई होप ये दिख रहा है, आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपका ये दिख रहा है, आई होप इसको भी आप लोग क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसको सॉल्व करने की आप लोगों को कोशिश करना है। इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोगों को पता है कि इसमें हमें कितने टोटल ट्राइंगल्स मिलेंगे। इसमें हमें 8 ट्राइंगल्स मिलेंगे, इसमें भी 8 ट्राइंगल्स मिलेंगे और इसमें भी हमें 8 ट्राइंगल्स मिलेंगे। 8 ट्राइंगल्स, 8 और 8, तो इस प्रकार से हमें टोटल और टोटल कितने 8 × 16 = 38 24 ट्राइंगल्स मिल गए। लेकिन अब हम लोग इनकी बात करें तो हमें टोटल एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स कितने मिल रहे हैं। इस प्रश्न में अगर एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की बात करें तो हम लोगों को आई होप आप लोग क्लियर विजुअल कर पाए होंगे कि एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला, उसी आधार पर एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला, यानी कि 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिले। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 28, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप इसको आप लोग क्लियर विजुअल कर पाए होंगे। तो तीन ट्रायंगल्स जब तीन फिगर आपस में जुड़ रहे हैं तो हमें तीन ट्रायंगल जब तीन फिगर आपस में जुड़ रहे हैं तो हमें 4 नए ट्रायंगल्स इसमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। एक ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा ये है, एक सेकंड ये, उसके बाद थर्ड ये, उसके बाद फोर्थ ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हमें प्रदान किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो हमारे पास है 43। इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न में हम लोग फिर से वही इंडिविजुअल काउंट करके इनको इनके ट्रायंगल्स ज्ञात करते हैं और फिर एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स पर विशेष ध्यान दे देते हैं। तो इनमें हम लोग इंडिविजुअल ट्रायंगल्स काउंट करने की बात करें तो हमारे पास कुछ गिवन आकृति इस प्रकार की दी गई है। तो हम लोग इसमें फिर से वही अपना काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 यानी कि 6 × 2 12 हमारे पास इंडिविजुअल काउंटिंग हो गई, यानी कि 12 इसमें मिलेंगे और 12 इसमें, यानी कि 12 × 12 = 24 24 ट्रायंगल्स तो हम लोगों को बेसिकली मिल ही गए। 24 के बाद अगर हम लोग एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें कितने हम लोगों को एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को इस प्रश्न में जो है एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की बात करें तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिला, 2 हो गए। 2 के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स जो मिलना वो मिल रहा है ये वाला, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आप लोगों को ये मिल गया और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आप लोगों को ये मिल गया। तो इसमें टोटल और टोटल हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स 4 मिल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वाला ये मिल रहा है, एक बड़ा वाला ये और उसके बाद 2 अंदर वाले। तो आई होप आप लोग इसको क्लियर विजुअल कर पाए होंगे। तो 4 28 इसका सही जवाब बनेगा। इसमें टोटल और टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। इसमें टोटल और टोटल 28 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की विशेष ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4 4 यानी कि इसमें 8 ट्रायंगल्स इसमें मिलेंगे, 8 ट्रायंगल्स इसमें मिलेंगे, 8 ट्रायंगल्स इसमें मिलेंगे और 8 ट्रायंगल्स इसमें मिलेंगे, यानी कि टोटल हमें 32 ट्रायंगल्स मिल ही चुके। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स की बात करें तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये मिलेगा, 3
और तीन के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल चार, चार के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल पांच, पांच के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल छह, और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल छह के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल सात। आई होप आप लोग इसको भी क्लियर देख पाए होंगे। तो टोटल और टोटल हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिले सात, तो 32 और सात 39, 39। आई होप इसका जो सही जवाब बनेगा वो आप लोग क्लियर देख पाए होंगे कि इसमें टोटल और टोटल 39 ऑप्शन डी सही आंसर बन रहा है, और इसमें टोटल और टोटल ट्रायंगल्स की संख्या जो है वो 39 बन रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है कि इसमें बेसिकली कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो अगर बात करें तो 1 2 3 4 फोर यानी कि 8 ट्राइंगल्स इसमें मिलेंगे, 8 इसमें मिलेंगे, 8 इसमें मिलेंगे और 8 इसमें मिलेंगे। तो फिर से वही 32 ट्राइंगल्स हमें मिल गए। अब हम लोग एक दूसरे से एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स ये, एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स ये, दो तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपको ये मिलेगा पांच, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपको ये मिलेगा छह। आई होप आप लोग इसमें देख पाए होंगे कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स छह मिल रहे हैं। उसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे, उसके अलावा भी इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिलेंगे। अब वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे, आइए हम लोग इनको विशेषता ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग अभी तक आप लोगों ने जो है 32 और 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स काउंट कर लिए होंगे, ठीक है, इसको और जूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो काउंट किए एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स, एक ये वाला काउंट किया, उसके बाद एक ये वाला काउंट किया, दो हो गए, दो के बाद एक ये वाला तीन, तीन के बाद एक ये वाला चार, इसके बाद एक ये वाला पांच, एक ये वाला छह, ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स अभी तक हम लोगों ने काउंट किए हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स अभी तक हम लोगों ने काउंट किए हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो कुछ हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स इस प्रकार से मिल रहे हैं, वो कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को ये वाला मिल रहा है, जो आप लोग आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे। और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को ये वाला मिल रहा है, आई होप इसको भी आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को जो मिल रहा है उसकी अगर बात करें, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स और इसमें हम लोगों को मिल रहा है जो कि इधर से लेकर इस पॉइंट तक जाता है और इस पॉइंट से इधर जाकर इधर से इधर मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हम लोगों को ये मिल रहा है, यानी कि तीन एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स और हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 41, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले अगर प्रश्न की बात की जाए तो हमारे पास है 46। 46 प्रश्न की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न में आप लोगों को फिर से वही काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स की बात करनी है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को जिस प्रकार से पता है कि एक इंडिविजुअल जो है, इनको अगर हम लोग इंडिविजुअल काउंट करने की कोशिश करें तो हमें ये देगा, आठ इसमें ट्राइंगल्स मिलेंगे, आठ इसमें मिलेंगे, आठ इसमें मिलेंगे, यानी कि 8 32 तो हमें मिल ही गए। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एक दूसरे को इससे जोड़ेंगे तो हमें इसको जब हम लोग एक दूसरे से जोड़ेंगे तो हमें एक ट्राइंगल्स ये मिलेगा और एक ट्राइंगल्स हम लोगों को ये एक्स्ट्रा मिलेगा। जब एक दूसरे को हम लोग इनको जोड़ेंगे उसी आधार पर दो इधर से मिलेंगे, दो इधर से मिलेंगे, दो इधर से मिलेंगे और दो ट्राइंगल्स हम लोगों को इधर से मिलेंगे। तो इसके आधार पर हमारे पास 32 और 2 चौको 8 ट्राइंगल्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल और टोटल कितने हो गए, 40। अब इसके बाद भी इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हमें कुछ और मिलेंगे जो कि बड़े बड़े ट्रायंगल्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपको ये बड़े वाला हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपका ये बड़े वाला हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स ये बड़ा वाला हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि एक आठ यानी कि चार एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स और मिलेंगे। तो इसके आधार पर जो हमारा सही जवाब बनेगा वो 40 न बनकर 44 बनेगा। आई होप इसको आप लोग क्लियर, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, 40 और मोर, ठीक है, यानी कि 40 या 40 से ज्यादा। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।